देखिए इस तरीके की अगर खराब दीवार है जिसमें प्लास्टर अच्छे से नहीं किया हुआ है, उसको आप कैसे करेंगे? करीब से देखा जरा। सबसे पहले जितना निकलता है निकालें, चेक करें जितना निकल सकता है निकालें। देखिए सीलन नहीं है लेकिन सीमेंट कम डाला है, ऐसे ऊंचा नीचा दीवार को आप कैसे ठीक करेंगे वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए साफ सफाई कर देंगे, ऊंचा नीचा है उसको ठीक करें। देखिए जहां पर सीमेंट लगा हो ना ऐसे जो नीचे आ जाता है उसको आप तो इस तरीके से ये मोटा मोटा जो सीमेंट होता है ना जो घर के नीचे आ जाता है उसको साफ करेंगे। ऐसे ही करके साफ करना है, ऊंचा नीचा हो तो थोड़ा ठीक करो, उसके अंदर है कहीं बाहर है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। जो बिल्कुल बेकार दीवार है अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, बेकार ब्रश हो कैसा भी हो ब्रश से डुबो के एक बार पानी लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा है ना और क्या पता सीमेंट भी कम डाला हो इसीलिए। चलो आओ इस तरीके से इसको थोड़ा पानी लगा दीजिए। जब आप इसमें रिपेयर करोगे ना वॉल पुट्टी पीओपी मिक्स करके बहुत ही अच्छे से होगा। देखिए इस तरीके से पानी से पहले भिगो लेंगे, ठीक है, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे भिगो लें, उसके बाद आप रिपेयर करें। जो पुट्टी आप इसमें करेंगे ना बॉल पुट्टी और पीओपी मिक्स करके ये खराब नहीं होगा फिर, नहीं तो यही जो सीमेंट है ना ये जो ऊंचा नीचा है क्या पता इसमें पहले किसी ने तराई करी या नहीं करी कुछ पता नहीं है तो आपके पुट्टी में आ जाएगा और खराब। 405 बॉल पुट्टी यही हम लगाएंगे, ये 5 किलो का पैक है, ये आपको 150 रुपये में मिलेगा, इसमें 10 रुपये का टोकन भी निकलता है, ठीक है, पेंट शॉप में वापस देंगे तो आपको 10 रुपये और मिल जाएगा, लेकिन ये 5 kg का 150 रुपये में, और ये आपका 405 का जिप्सम प्लास्टर। जब बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा होता है ना तो आप डायरेक्ट बॉल पुट्टी लगाएंगे तो नहीं होता है, उसमें पीओपी मिलाना पड़ता है। ज़्यादा ऊंचा नीचा होगा कोई दीवार तो उसको कैसे बनाएंगे तो वही मैं आपको करके बताने वाला हूँ, लेकिन ज़्यादा ऊंचा नीचा होगा तब हम इसको 50-50% मिलाएंगे। इसमें से एक बार लेंगे, एक बार इसमें से लेंगे, अगर बड़ा टूटा होगा या ज़्यादा ऊंचा नीचा होगा उसको फिनिश करने के लिए। थोड़ा थोड़ा बना के लगाएंगे क्योंकि पीओपी देने की वजह से ये जल्दी टाइट होने लग जाता है, इसलिए या तो आपका बहुत सारा करना है तो एक साथ मिक्स कर लो, हम तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं और लगाते हैं चाहे कितना ही बड़ा ऊंचा नीचा है, क्योंकि एक साथ करेंगे तो वो दिक्कत हो जाता है। खाली पीओपी भी लगा सकते हैं लेकिन वो क्या होता है ना खाली पीओपी कमज़ोर होता है, कुछ दिन के बाद अगर पानी आ गया सीलन की वजह से वो निकल सकता है, लेकिन बॉल पुट्टी देने की वजह से थोड़ा मजबूत हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी, इसको पेस्ट की तरह बनाएं, ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए क्योंकि जितना लगा सकते हो ताकि ये जल्दी सेट ना हो जाए, नहीं तो अगर एक साथ ढेर सारा बनाओगे इकट्ठा तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके लगाते लगाते बाकी का जो पीओपी और बॉल पुट्टी जो मिक्स होगा वो सेट होने लग जाएगा, फिर आप प्यार से लगा भी नहीं पाओगे। बस एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ फिर बाद में नहीं दिखाऊंगा।
उसमें कोई मुश्किल नहीं है, प्यार से पानी के साथ इसको मिलाना आता है। मेरा बोर्ड तो छोटा है जिसके ऊपर बना रहा हूँ, आप थोड़ा और बड़ा देख के लीजिए। ऐसे मिलाते चले जाएंगे ना, थोड़ा सा बड़ा बोर्ड रखेंगे अच्छा होगा। अब पानी में मिक्स हो चुका है, ठीक है, अच्छे से इस तरीके से इसको मिला लेंगे, बॉल पुट्टी और पीओपी को। हो गया, चलिए हम लगा के दिखाते हैं। देखिए, पत्ती से भी लगा सकते हैं, गुरमाला से भी लगा सकते हैं। अगर इससे लगाएंगे ना तो ज़्यादा स्मूथ होगा और ज़्यादा ऊंचा नीचा होगा तो फील होने में अच्छा होगा। इतने में ही हम पहले करेंगे, अगर पूरे में पानी लगा देंगे फिर धीरे धीरे वो सूख जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़े थोड़े में पानी लगाते जाएं और उतने हिस्से में फिर रिपेयर करते जाएं। ये देखिए, एक बार में नहीं देख रहे हैं ना कितना ऊंचा नीचा है। इसको ऐसे ही बनाया जाता है, पहले ऐसे रफ बना लो, बना लोगे सूख जाएगा, जब दोबारा फिर करोगे ना ये तुरंत स्मूथ हो जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा पेस्ट के जैसे बनाओ हमेशा इस पुट्टी में, और इतना ही बनाओ तो आराम से कर सकते। अगर ज्यादा बनाओगे तो इधर करते करते वो खराब हो। इस तरीके से एक बार मोटा मोटा लगा दो, जब ये थोड़ा सूख जाएगा ना या सेट होने लगेगा तब दोबारा फिर खींचोगे तो ठीक हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आप हल्की पीओपी डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीओपी और ज़्यादा बॉल पुट्टी, क्योंकि अभी भी थोड़ा डाउन है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। Thank you.
जब हल्का सेट हो जाए ना, तब गीले गीले रहते हुए एक बार और इस तरीके से। इसको ऊपर बहुत रोटी कर दो। इस तरीके से करने के बाद जब अच्छे से सूख जाए, बॉल पुट्टी कर दोगे ना एक से दो बार, एकदम स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद सैंडिंग करो, फिर सारे में कोट लगा दो। पहले इतने में कोट लगा लो, एक जैसा बना लो, उसके बाद फिर करो। एक से दो बार पुट्टी करोगे एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। दीवार आपकी खराब, इतने को पहले ऐसा क्रीम कलर लगा लो, चाहे आप डिस्टम्पर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको एक जैसा बना लो। फिर पूरे में एक बार कोट मारो, एक या दो कोट मारो, लेकिन इसको अलग से पहले थोड़ा कर लो ताकि एक जैसा हो जाए।
निरुलक गुडी यूनिवर्सल प्राइमर है। इसी प्राइमर को आप पतला करके लगा सकते हैं, जब भी कभी रिपेयरिंग करें तो पतला करके आप एक कोट लगा सकते हैं। शालीमार का डिस्टेंपर यूज किया है, देखिए नंबर वन एक्रिलिक डिस्टेंपर है, ये सुपर वाइट है, स्मूथ फिनिश, बाकी में जो लिखा है वह हकीकत है। 700 रुपए में 20 kg का मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर आपको क्रीम कलर बनाना है, देखिए आपको चाहिए फास्ट येलो, देखिए लिखा है फास्ट येलो और येलो ऑक्साइड क्रीम कलर, अगर जो हमने किया है वो इसी दोनों स्टेनरों से बनेगा। अगर आपको सीलिंग में करना है तो देखिए ये है फास्ट वायलेट, ये सीलिंग में डालने के लिए होता है, वायलेट होता है, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसा, ठीक है ना, बैगनी। अगर आपको पर्पल बनाना है हाथ से तो इसको डाल दो, ज्यादा बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए एलो ऑक्साइड में हल्का रेड मिला हुआ रहता है, लेकिन फास्ट एलो में ऐसा नहीं होता है। ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल एलो होता है, इन्हीं दोनों से अच्छा बनता है। कभी कभी लोग इसी से भी बनाते हैं खाली, इस वाले से, लेकिन इससे अगर आप बनाओगे एलो ऑक्साइड से क्रीम कलर तो वो अच्छा नहीं बनता, कलर थोड़ा खिलके नहीं आता है। थोड़ा सा फास्ट एलो डाल देने से कलर थोड़ा खिल जाता है, बढ़िया होता है, ठीक है। अच्छा, आपने एक सवाल और पूछा है कि ये डिस्टेंपर एक बार ये बाल्टी खुल जाने के बाद कितने महीने तक सुरक्षित रहता है। देखिए ये हमारे पास बचा हुआ है पहले का, ये देखो, देखो ये देखिए, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी देखे रखा, ये देखो दिख रहा है ना, ये ऊपर से पानी दिया है हमने, पूरे डिस्टेंपर के अंदर पानी नहीं मिलाया है, और ये लगभग 6 महीने से है हमारे पास। हमने इजी क्लीन की बाल्टी में और डब्बे में 4 लीटर के डब्बे में इसको रखा है, लेकिन ये खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है इसमें, क्योंकि पूरे में अगर आप पानी मिक्स कर दोगे ना इसमें तो स्मेल मारने लगेगा। इसीलिए कभी भी अगर आपका बाल्टी खुल गया है ये वाला, अगर आपको रखना है तो जिसमें भी रखोगे, देखिए हम एकदम बंद करके रखते हैं, इजी क्लीन का डिब्बा जरूर है, देखिए हमने इसमें लिख दिया शालीमार डिस्टेंपर, लिखा है ना, क्योंकि ये बच जाता है तो हम ऐसे रख दें। ऊपर से हमने थोड़ा सा पानी क्यों डाल दिया, ताकि ये सूख ना जाए ऊपर से, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया। और ऐसे सुरक्षित रखोगे ना, ये साल भर भी कुछ नहीं होगा। अगर पूरे डिस्टेंपर के अंदर है, किसी भी बेंड के अंदर अगर आप पानी मिक्स करके रखोगे, जैसे पानी घोल के या दीवार पे लगाने के बाद जो बच जाता है डब्बे में रख देते हैं, जो महंगा वाला जो जिसका प्राइस ज्यादा होता है ना, जिस एमुलसन पेंट का, वो वाला तो फिर भी टिक जाता है पानी मिलाने के बाद भी, लेकिन ये जो सस्ते वाले एमुलसन पेंट होते हैं, जिसको आप प्लास्टिक पेंट बोलते हो, या ऐसे जो ओबीडी होते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, एशियन का हो, या 1001 का हो, या शालीमार का हो, बर्जर का हो, किसी का भी हो, निर्लक का हो, उस एक बार अगर आपने पानी मिक्स कर दिया तो वो कभी भी सुरक्षित नहीं रहता है। इसीलिए अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसी बाल्टी में से बिगर पानी मिला के अलग डिब्बे में बंद करके थोड़ा सा ऊपर से पानी दे के, ताकि ऊपर से पपड़ी ना बन जाए, उस पेंट को ऐसे बंद करके रखें, जैसे हम इसको बंद कर देते हैं एकदम, ये देखो अभी सुरक्षित रहेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आपको हम कलर बना के दिखाते हैं, ये पहले का बना हुआ है, ठीक है, क्रीम कलर जो किया हुआ है ऐसा, देखिए तो ऐसा बनाने के लिए हमें चाहिए फास्ट येलो, थोड़ा सा इसमें फास्ट येलो डालेंगे, और कभी भी कलर बनाते समय ज्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डाल के देखें। एलो ऑक्साइड, एलो ऑक्साइड, ऐसे ही आराम आराम से बनाना चाहिए, एक हट्टा का बिना डाले।
एम तो नहीं बनता है, लेकिन 19-20 बने, लेकिन बनना तो चाहिए। इसी तरीके से बना के आपको लगाना है। और अगर देखो प्राइमर नहीं लगाओगे कहीं, तो इसी को ही पतला करके प्राइमर के जैसे लगा दो पहले, जहाँ रिपेयर किया है, उसके बाद थोड़ा सा मोटा करके जैसे ओबीडी लगाया जाता है वैसा लगा सकते हो। लेकिन अगर इसको अगर आपको प्राइमर के जैसे इस्तेमाल करना है, तो प्राइमर के जैसे पतला करना पड़ता है, क्योंकि दोनों का पावर एक जैसा ही होता है। प्राइमर और ओबीडी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। इसी को ही आप बहुत पतला करके प्राइमर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो दीवार में, ठीक है। अगर आप एमुलशन पेंट नहीं कर रहे हो, तो अगर ओबीडी ही करना है, अगर एमुलशन पेंट करोगे तो प्राइमर लगाना ही पड़ेगा। रिपेयर हो जाने के बाद जब हमने वॉल पुट्टी किया है इसमें, अब सूख चुका है, ठीक है। इसको भी कैसे देखभाल करोगे, पास से देखा एकदम, ये देखो, ये जो देखो, ये जो निशान होते हैं ना, ये सब कट के बराबर हो जाएगा इस तरीके से, बराबर करना है, जितना निकलना है निकल जाएगा, बाकी स्मूथ रहेगा इस तरीके से, हो गया ना इस तरीके से। एक चीज देखो बिल्कुल करीब से, ये देखो पुट्टी के ऊपर पुट्टी पर चढ़ जाता है ना, ये देखो कर, क्योंकि ऊंचा नीचा होता है, बराबर करना होता है, थोड़ा छोड़ना पड़ता है उसकी वजह, ये बराबर होता है, हो गया सबके बराबर, इससे ज्यादा नहीं काटना है। अब देखो स्मूथ हो गया, देखो देखा, देखो हो गया ना, जितने में हमने रिपेयर बनाया ना, इतने में एक कोट इस तरीके का कलर जो हमने बनाया है, इसमें पहले एक कोट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा टचिंग किया है इतने हिस्से में रिंग मार लगा के, लगाने के बाद में भी देखिए जो पीओपी होता है ना, वो घिसने के बाद देखिए ऐसे निकल जाता है, तो कहीं कहीं से देखिए हल्का दिखाई दे रहा है, इसको एक बार और टचिंग कर लीजिए, यहाँ यहाँ इधर इधर मारने की जरूरत नहीं है ना, इधर जहां जहां दिख रहा है, इसको करने के बाद जब सूख जाए तब पूरे में लगा दें, ठीक है। देखा कितने चिपक के चलता है, एकदम बराबर कर देता है दीवार को। इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब हम थोड़ा लगा लेते हैं, जब पेंट मारेंगे तो दिखा देंगे। देखिए जब रिगमाल लग जाए अच्छे से, ठीक है, उसके बाद एक बार ऐसे टचिंग कर दो इस तरीके से, ऐसे करके थोड़ा मिला दो, वो भी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा मिला दो इस तरीके से सब जगह ऐसे दो, ठीक है, और ज्यादा मोटा मोटा नहीं चलाना, ऐसे पास से देखा हुआ है इस तरीके से, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे का पीओपी है,
जो ज्यादा उभरा हुआ रहता है ना वो भी प्लेन होंगे, तो कहीं कहीं से दिखता है ना जैसे ये भी, तो इसमें एक बार और टच लगाओ, एक बार और ऐसे करके लगाओ, ऐसे करके एक जैसा बना लो, उसके बाद पूरे में बोलना। इस रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देखो ये ओबीडी है, साफ हो जाएगा सुई लोड से, इसीलिए डरने की बात नहीं है। अगर एमुलशन हो तो कवर करो, ठीक है, कपड़ा मारोगे साफ हो जाएगा। अब ब्रश को रखो, ठीक है, और देखो इस कटिंग की यहाँ पर कोने में भी ऐसे ब्रश लगा दो इस तरीके से पैक, ठीक है ना, यहाँ पर कितना लगाओ ऐसे, लग गया। अब देखो ऐसे भी चलाओ, चला दिया, एक बार और चलाओ। देखो मार के छोड़ दोगे कभी ठीक नहीं होता, मिलाना पड़ता है, दूसरे रोलर से मार के बस छोड़ दो, ऐसा नहीं है, मिलाना पड़ता है। देखो ऊपर भी हम मारते हैं, इस तरीके से करना है, ठीक है। जब सारे में करेंगे ना, कि छत के पानी में कैसे करना है वो हम बता देंगे। ऐसे जगह पर कभी रोलर ना लगाएं, अगर ओबीडी कर रहे हो तो। अगर जीरो नंबर रोलर है तो लगा सकते हो, वो भी यहाँ तक पूरा टच नहीं कर रहा, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से लगा सकते हो, ऐसे फिनिशिंग ऊपर दे सकते हो ओबीडी से। अगर रोलर लगाना भी चाहते हो इस तरीके से, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इतना लगा सकते हो, लेकिन मेरा कहना मानना ये है कि रोलर ना ही लगाओ तो बढ़िया है। ये सीलिंग के आसपास या बीम के नीचे करोगे, पहले इसको लगा, यहाँ पर तो एक कोट लगा हुआ है, जब डबल करेंगे तब लगाएंगे, ऐसे साइड में लगा, लगा लिया। देखो इधर लगाओ।
ये ओवीडी लगाने का आसान तरीका है डिस्टम्पर लगाने का, लेकिन इसमें भी फिनिशिंग देना चाहिए, लगा के ऐसे छोड़ देना इसी तरीके से लगा के आप एक बार फिनिशिंग दे दो सूखने से पहले इस तरीके से, इसमें ज़बरदस्त फिनिशिंग आ जाए। रोलर के जो दिखते हैं ना कुरकुरे से धूल बढ़ जाता है, वैसा भी नहीं रह जाता है, जब आप मिला के चला लेते हो ना ऐसे करके एक से दो बार, दो से तीन बार सूखने से पहले अगर मिला है इस तरीके से लगा तो ये एकदम पेड़ जो स्टम पर है बैठ गया एकदम स्मूथ लग रहा है। जैसे वो सस्ता हमारा एलिमेशन पेंट होता है ना जिसको आप प्लास्टिक पेंट बोलते हो वैसे ही फिनिशिंग मिल जाएगा, समझ में आया, ऐसे लगना चाहिए। लेकिन क्या है कि वाशेबल नहीं है, जब आप रख लोगे ना गीले कपड़े से तो ये निकल जाता है। देखिए गीले में कितना डार्क लगता है ना, सूखने के बाद कितना लाइट मिलता है, तो कहीं कहीं अगर काला काला दिखाई दे नीचे से थोड़ा बहुत भी तो ऐसा टचिंग ना हो, आप डबल कोट हम करेंगे, डबल कोट करेंगे फिर वैसे ही करेंगे, ऐसे कोट धोया पहले नीचे ब्रश से लगा लो साइड में लगा लो, उसके बाद उसको कैसे भी लगा ऐसे
लिया पर्पल और पिंक दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको आप पर्पलिंग कलर भी बोल सकते हैं। ये कौन सा कलर है, कैसे करना है, इसके वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। मैंने सिर्फ करते हुए आपको दिखाया है कि दीवार में कैसे आपको पेंट करना है, तो आपको एकदम ऐसे ही करना है। तीन लोग कर देंगे ना आपको ऐसे ही होगा, चाहे आप रोलर से करें या ब्रश से, ठीक है। सीलिंग में शालीमार का स्टैंपर लगा है और वॉल में आप जो देख रहे हैं क्रीम कलर, इसमें भी शालीमार का डिस्टेंट है। ये भी दो से तीन कोट आप कर लीजिए फिनिश होगा। देखिए इस सारे दीवार को आपने देखा है कितना सारा हमने रिपेयर बनाया, बहुत ऊंचा नीचा था ये, कहीं आपको पता लग रहा है कहीं कहीं दाग धब्बा कोट, क्योंकि ऐसे तीन कोट लगा देंगे ना तो फिनिश हो जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। देखिए इधर सिलर नहीं है लेकिन उधर वो देखिए नीचे जैसे पानी आग नहीं से रहा है, उसको पहले ढूंढिए, उसको बंद कीजिए, नहीं तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है पेंट नहीं जिसको आप ये सीलन कर सकते, ये दोबारा फिर पब्लिक दे जाएगा, ध्यान ना देखिए धीरे धीरे बहुत बढ़िया इस तरीके से। लेकिन इधर जिस वॉल पर हमने रिपेयर करिए उसमें नहीं, तो इसका जरूर आप ट्रीटमेंट करवाए कि पानी आग फंस रहा है, उसको आप बंद करें उसके बाद ये सब चीज़, क्योंकि टाइम लगाना कोई बड़ी बात नहीं, अंदर से तो आपको खराब होता है ना, इसीलिए इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना है कि नीचे से या बाहर से पानी कहाँ से आ रहा है उसको रोको, फिर एक साल तक उसे छोड़ दो, सूख जाएगा, पपड़ी दे जाएगा, फिर निकाल के आप दोबारा पेंट करेंगे ना, नया का नया रह जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि पानी आ कहाँ से, नहीं तो ये जिंदगी में कभी आप इसको खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइल नीचे लगा दोगे फिर ऊपर आ जाएगा पानी, क्योंकि वो अपना रास्ता खोज ही लेता है, इसका कोई इलाज नहीं।